हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक किचन। आज मैं आपको बताऊंगी घर पे चने आलू की सब्जी आप कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंग्रेडिएंट पे मैंने यहाँ चने और आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है। यहाँ पे दो कटे लाल टमाटर, लहसुन और अदरक चॉप किए हुए, ओनियन रफली चॉप की हुई 1 बाउल, छोले मसाला 2 टेबल स्पून, चिली 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद के अनुसार। कुकर को गर्म कर लिया है। अब टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुका है, हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये मैंने टमाटर और प्याज को गला के मिक्सर जार में डाल लिया है और ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप जब भी इसे ग्राइंड करिए तो ध्यान रखिए कि ये ठंडा ही होना चाहिए। अगर ये गर्म हुआ तो आपकी लीड जो है ऊपर की तरफ उछल सकते हैं और आपका किचन भी गंदा हो जाएगा, साथ में आप जल भी सकते हैं। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हमारा ये पेस्ट तैयार है जिसे हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये मैंने छोले मसाले में पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लिया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो मसाला जल सकता है। और साथ ही में मैं इसमें हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर भी ऐड कर दूँगी। इधर मैंने कुकर को गैस पे रख लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला है। अब मैं इस मसाले को डायरेक्टली इसमें डालूंगी, बाद में ये ग्रेवी इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल दे रही हूँ। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे लगभग 10 मिनट तक। तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए और ये मसाला अच्छे से पक ना जाए। इधर देखिए, मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल बिल्कुल ही ऊपर आ चुका है। मसाला कुक हो जाने के बाद हम इसमें अपना चने आलू को ऐड कर देंगे। चने आलू की सब्जी और जीरा राइस बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फ्रेंड।